नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लेजी इंग्लिश क्लासेस में। बच्चा लोग, अभी हम लोग करने वाले एक्सरसाइज 4-4-5, ये प्रोनाउन और एडजेक्टिव के ऊपर बेस्ड एक्सरसाइज है। जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं उनको बता दिया जाए कि ये अपनी किताब है इंग्लिश मैराथन, जिससे ये पूरा सीरीज जो है ये एक्सरसाइजेस का कराया जा रहा है। तो प्रोनाउन के बारे में बात करने के पहले कुछ छोटी मोटी एक दो बातें मैं आपको बता दूं। इनमें हमें एक फिल इन द ब्लैंक्स करना है जो ब्रैकेट में वर्ड दी हुई है, जैसे यहाँ सम होगा या सम ऑफ होगा ऐसा हमें करना है, यहाँ पर मोस्ट होगा या मोस्ट ऑफ होगा। तो एक छोटी सी बात, एक छोटी सी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। देखो, जितने भी न्यूमरल एडजेक्टिव है, संख्यावाचक विशेषण या क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है, मात्रा बताने वाले क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव या जो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, इच आइदर नाइदर, ये सारे ग्रुप टू डिटरमाइनर्स कहलाते हैं, ग्रुप टू के वर्ड होते हैं। ठीक है, इनके बारे में ध्यान रखना कि जब ये नाउन के साथ आएंगे, किसी नाउन के साथ, तो ये सब के सब एडजेक्टिव कहलाएंगे। जितने भी ये, इनको क्या बोलते हैं, ग्रुप टू का वर्ड बोलते हैं। ठीक है, जब ये किसी नाउन के साथ होंगे तो सब क्या कहलाएंगे, एडजेक्टिव। जैसे अगर मेनी लिखा हुआ और मेनी के बाद बॉयज लिखा हुआ है, तो ये मेनी जो है एडजेक्टिव होगा, न्यूमरल एडजेक्टिव बॉयज के लिए। कोई भी ग्रुप टू का शब्द, बहुत ध्यान से सुनोगे, कोई भी ग्रुप टू का शब्द यदि बिना नाउन का है, मान लीजिए इसके बाद नाउन नहीं है, तो हम अब इनको प्रोनाउन बोलेंगे, एडजेक्टिव नहीं बोलेंगे। कहने का मतलब कि कहीं मेनी लिखा हुआ है और उसके बाद कोई नाउन नहीं है, तो मेनी क्या कहलाएगा, प्रोनाउन कहलाएगा। ध्यान रखना, ग्रुप टू में कौन कौन है, न्यूमरल एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। अब न्यूमरल कौन कौन है भाई, तो न्यूमरल है मेनी है, सेवरल है, फ्यू है, वेरियस है, ये सब जो है ये सब न्यूमरल है। क्वांटिटेटिव कौन है, तो मच है, लिटिल है, और कुछ ऐसे है जो दोनों कैटेगरी में आते हैं, जैसे सब, मेनी, नो, क्लास में कई बार पढ़े हो। डिस्ट्रीब्यूटिव कौन है, तो इच आइदर वगैरह, इच आइदर नाइदर। अब इन शब्दों के बारे में मैं एक समरी आपको बताने वाला हूं। समरी का ध्यान रखोगे कि ये कैसे काम करते हैं, इसको हम लोग छोड़ रहे हैं यहीं पर। देखिए, कोई भी ग्रुप टू का शब्द अगर नाउन के साथ है तो वो एडजेक्टिव होगा। अच्छा, मान लीजिए कोई नाउन हो और उसके पहले कोई ग्रुप वन का शब्द भी हो और ग्रुप टू का शब्द भी हो। ग्रुप वन का शब्द मतलब कि पजेसिव एडजेक्टिव हो, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो, संकेतवाचक। अगर आपने ग्रामर पढ़ा है तो ये सारी बातें आप समझ रहे होंगे। तो बीच में ऑफ आ जाएगा, टू ऑफ। बहुत ध्यान से सुनोगे, कभी भी ग्रुप टू वाले ग्रुप वन वाले के साथ सीधे नहीं आते, कुछ एक्सेप्शंस मौजूद हैं, लेकिन नॉर्मली ये एक साथ नहीं आते। जैसे अगर लिखना है मेनी और द बॉयज, अब कोई बोले कि सर बॉयज के लिए ही द भी आया है या दोज आया है और बॉयज के लिए मेनी आया है, तो बाबू मेनी जो है ये न्यूमरल एडजेक्टिव है, ग्रुप टू का शब्द है, और द जो है ये पजेसिव डेमोस्ट्रेटिव या आर्टिकल जो होते हैं वो ग्रुप वन के शब्द हैं। ये कभी साथ में नहीं आते, कभी टू और वन वाले एक साथ नहीं आएंगे, बीच में हमें ऑफ का प्रयोग करना पड़ेगा, ऐसा बोलना पड़ेगा। तो कभी भी जब इस तरह की स्थिति हो जाए कि टू वाला जो है, जो टू वाले शब्द हैं वो ऑफ के पहले नजर आए, तो भी वो प्रोनाउन कहलाएंगे। ये मेनी फिलहाल प्रोनाउन है, क्यों, चूंकि ये सीधे नाउन के साथ नहीं है, ऑफ स्ट्रक्चर में आया। तो ध्यान से सुनोगे, वापस दोहरा रहा हूं, कोई भी ग्रुप टू का शब्द, ग्रुप टू में कौन कौन थे, न्यूमरल, क्वांटिटेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है, ये सारे जो वर्ड आप देख रहे हैं ये सब ग्रुप टू के शब्द हैं। कोई भी ग्रुप टू का शब्द जब किसी नाउन के साथ आएगा तो एडजेक्टिव कहलाएगा, जब बिना नाउन का आएगा एकदम अकेले तो प्रोनाउन कहलाएगा, या कोई भी ग्रुप टू का शब्द जब ऑफ बनावट में आएगा, ऑफ बनावट में कब आएगा, जब आगे कोई ग्रुप वन का शब्द होगा नाउन के साथ, अभी अभी दिख रहे थे, तो भी वो प्रोनाउन कहलाएगा। अब मैं लिखता हूं, जैसे मेनी पीपल, ये मेनी एडजेक्टिव है, क्यों एडजेक्टिव है, नाउन के साथ है। अगर मैं केवल मेनी लिखूंगा तो ये प्रोनाउन है, और अगर मैं लिखूंगा मेनी, अगर मैं लिखूंगा मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों में से कई, ये वाला मेनी भी प्रोनाउन है। यहाँ ऑफ क्यों आया, क्योंकि ये ग्रुप टू है और ये ग्रुप वन है, दोनों साथ में नहीं आते, ये मेनी भी प्रोनाउन है। तो जितने भी ग्रुप टू के वर्ड है, न्यूमरल, एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, क्वांटिटेटिव, ये एडजेक्टिव भी होते हैं, प्रोनाउन भी। एडजेक्टिव कब, जब नाउन के साथ हो, प्रोनाउन कब, जब अकेले हो या ऑफ स्ट्रक्चर में। बस इस बेसिक बात का ध्यान रखना,
जब भी आगे में कोई ग्रुप वन का शब्द आया हुआ है मतलब वो सीधे नाउन के साथ नहीं आएगा, बीच में ऑफ आ जाएगा, ये याद रखना। चलिए वापस विषय पे लौटते हैं, क्वेश्चन को देखेंगे। सम पीपल नेवर स्टॉप टॉकिंग, कुछ लोग, ये जो सम है ये पीपल के साथ एडजेक्टिव की तरह आ रहा है, कुछ लोग, यहां ऑफ की जरूरत नहीं है। अगला, अब यहां देखो नाउन के साथ ग्रुप वन का शब्द आया हुआ है द, अब यहां मोस्ट नहीं लगेगा, मोस्ट ऑफ लगाना पड़ेगा, मोस्ट ऑफ द शॉप्स, दुकानों में से कई। क्यों ऑफ लगाना पड़ा? क्योंकि भैया ग्रुप वन का शब्द है और मोस्ट ग्रुप टू का शब्द है, इकट्ठे आ नहीं सकते, मोस्ट द शॉप्स नहीं बोल सकते। अच्छा, ये मोस्ट जो है फिलहाल अब क्या कहलाएगा? प्रोनाउन कहलाएगा। क्यों? चूंकि नाउन के साथ नहीं है, ऑफ स्ट्रक्चर में। और यहां जो सबसे शुरू में जो मोस्ट देख रहे हो ये एडजेक्टिव है। क्यों एडजेक्टिव है? चूंकि नाउन के साथ है, मोस्ट चिल्ड्रन। अगला, आई डोंट लाइक, सॉरी, यू कैन चेंज योर मनी इन मोस्ट बैंक्स, तुम अपने पैसे को बदल सकते हो अधिकांश बैंकों में, इन मोस्ट बैंक्स। सीधे यहां पर देखो नाउन है, ऑफ लगाने का कोई मतलब नहीं, ऑफ तब लगाते जब आगे में ग्रुप वन का शब्द होता। नेक्स्ट, आई डोंट लाइक एनी ऑफ द पिक्चर्स, फिर द लगा हुआ है ना, तो सीधे एनी नहीं आ सकता था, एनी द पिक्चर नहीं बोल सकते थे, ये एनी क्या बन जाएगा? प्रोनाउन बन जाएगा। क्यों? चूंकि ऑफ बनावट में आया है। फिर से दोहरा रहा हूं, कोई भी ग्रुप टू शब्द विशेषण तभी तक होता है, एडजेक्टिव तभी तक होता है जब तक वो नाउन के साथ हो, अगर बिना नाउन के है तो प्रोनाउन है, या अगर उसके बाद ऑफ बनावट आ गया तो भी वो क्या होगा? प्रोनाउन होगा। चलिए, ही हैज लॉस्ट ऑल हिज मनी, ऑल का एक्सेप्शन है। देखो ऑल जो होता है खुद ग्रुप टू का शब्द है, अगर कोई ग्रुप वन का शब्द आ जाए तो नियमता क्या आना चाहिए, रूल के अनुसार क्या आना चाहिए? अगर टू और वन का शब्द आ जाए तो बीच में क्या आना चाहिए? ऑफ आना चाहिए। ऑल के मामले में एक्सेप्शन है, ऑल और बोथ के मामले में, जैसे ऑल माई फ्रेंड्स, मेरे सभी दोस्त। अब ऑल जो है न्यूमरल है, ग्रुप टू है, ये ग्रुप वन है। अब आप यहां ऑफ लगा भी सकते हो, हटा भी सकते हो, ऑल माई फ्रेंड्स या ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स। ही हैज लॉस्ट ऑल हिज मनी, उसने अपना सारा पैसा गवा दिया, ये आप ऑल ऑफ भी बोल सकते थे। नेक्स्ट, नन माई फ्रेंड्स, अगेन नन ऑफ, नन कभी एडजेक्टिव का काम नहीं करता, याद रखिएगा। ऑल का तो एक्सेप्शन हमने बता दिया कि ऑल जब वन वाले शब्द के साथ आता है तो ऑफ हो भी सकता है, नहीं भी, जबकि बाकी टू वाले शब्दों में अगर ऑल की जगह बाकी कोई ग्रुप टू का शब्द होता तो ऑफ कंपलसरी हो जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं, नन कभी भी नाउन के साथ नहीं आता, इस बात का ध्यान रखिएगा, नन एडजेक्टिव की तरह काम नहीं कर सकता। डू यू नो एनी ऑफ द पीपल, फिर से वही बात है, द लगा हुआ है, एनी ऑफ द पीपल ये ग्रुप वन का शब्द है तो एनी द पीपल नहीं हो सकता था, यहां पर ऑफ की बनावट की जरूरत नहीं है। मोस्ट बर्ड्स, अधिकांश पंछियां, मोस्ट यहां एडजेक्टिव हो जाएगा किसके लिए? बर्ड्स के लिए। आई एंजॉयड मोस्ट ऑफ द फिल्म, मुझे फिल्म का अधिकांश हिस्सा पसंद आया, बट आई डिडंट लाइक द एंडिंग, लेकिन मुझे क्लाइमेक्स अंत पसंद नहीं आया। चलिए आगे बढ़ेंगे, थोड़ा स्क्रॉल कर ले स्क्रीन को। और ये जो बातें हम पढ़ रहे हैं ये क्लासरूम में हम लोगों ने कई बार देखा हुआ है, कई बार ये हम बातें तमाम बातें कर चुके हैं। नेक्स्ट, सम स्पोर्ट्स, कुछ खेल बड़े खतरनाक होते हैं, यहां आपकी जरूरत नहीं है, सम स्पोर्ट्स आर वेरी डेंजरस। वी कांट फाइंड एनी वे टू स्टे, ऑल द होटल्स आर फुल। अभी बोला कि ऑल जो है सीधे वन के साथ आ सकता है, आप ऑफ लगा सकते हो या नहीं भी। नेक्स्ट, यू मस्ट हैव सम ऑफ दिस चीज, इस चीज में से थोड़ा सा। बाबू दिस जो है डेमोन्स्ट्रेटिव ग्रुप वन का शब्द होता है, ये नाउन हो गया, तो सम और वन एक सीधे टू और वन एक साथ नहीं आ सकता था, तो ऑफ बनावट लेना पड़ेगा हमें। नेक्स्ट, द वेदर वॉज बैड वेन वी वेर ऑन हॉलीडे, मौसम खराब था जब हम हॉलीडे पर थे, इट रेंड मोस्ट ऑफ द टाइम। क्यों मोस्ट ऑफ ले रहे हैं? क्योंकि द लगा हुआ है। तो जितने भी सम ऑफ, एनी ऑफ, मोस्ट ऑफ, ये जब भी होंगे तो ये जो होगा ये प्रोनाउन हो जाएगा और आगे में हमें कोई ग्रुप वन का शब्द या नाउन मिलेगा। हालांकि आगे में जरूरी नहीं कि हमेशा वन और नाउन ही हो, कई बार आगे में प्रोनाउन भी होता है, जैसे सम ऑफ अस, हम में से कोई, मोस्ट ऑफ यू, तुम में से अधिकांश। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, ये सेक्शन हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं क्लासरूम में, आई होप आपने इसका सोल्यूशन कर लिया होगा। अगले वीडियो मिलेंगे, वीडियो को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, बहुत बहुत शुक्रिया।